हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ALP CVT 2 के लिए जो ट्रेड सिलेबस है उसके बारे में। जैसे कि अपन आज बात करेंगे डीजल मैकेनिक के बारे में, तो डीजल मैकेनिक में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। बाकी तो बहुत से लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, 50-60% लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, और जिनकी हो चुकी है वो देख लें कि कुछ बचा तो नहीं है क्या क्या तैयारी करने के लिए, और बाकी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पढ़ना रहेगा अपने को मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन। तो इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, सिलेंडर ब्लॉक आ जाएगा, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रोड्स, पिस्टन पिन, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, रोकर आर्म्स, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, स्पार्क प्लग, फायरिंग ऑर्डर एक्सेट्रा, ये सब अपन तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इंजन ऑपरेशन का है या तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको बस पूरे वीडियोस बना बना के देते जाऊँगा। ठीक है, और आप देख लीजिए, ये है क्लच है इसमें। ठीक है, गियर बॉक्स है, देन इसके बाद आ जाएगा ये प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, और रियर एक्सल एंड डिफरेंशियल, व्हील ट्यूब एंड टायर, ब्रेकिंग सिस्टम है, ये पढ़ना है अपने को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे पढ़ते चलेंगे अपन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, मैं सेकेंड पार्ट लगाता हूँ इसका। इसमें पढ़ना है अपने को सस्पेंशन सिस्टम और कूलिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, फ्रंट एक्सल। ठीक है, और सस्पेंशन सिस्टम में ही इंट्रोडक्शन, वर्क ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, फ्रंट एंड सस्पेंशन, बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, शॉक एब्जॉर्बर, टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, और इसके बाद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, एयर स्प्रिंग, टॉर्सन बार एक्सेट्रा। ठीक है, और कूलिंग सिस्टम में, नीड फॉर कूलिंग सिस्टम्स में ये पॉइंट हैं पूरे, देख लीजिएगा आप। और सिस्टम कंपोनेंट्स में रेडिएटर, कूलेंट हॉर्सेस एंड वाटर पम्प्स, कूलिंग सिस्टम थर्मोस्टेट्स, कूलिंग फैंस, टेम्परेचर इंडिकेटर्स, रेडिएटर प्रेशर कैप, रिकवरी सिस्टम, थर्मोस्टेट, ठीक, स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल में ये देखिए क्या क्या है। स्टीयरिंग सिस्टम है, पार्ट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग गियर और हाइड्रोलिक असिस्ट स्टीयरिंग, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल स्टीयरिंग, व्हील अलाइनमेंट, चैम्बर, किंग पिन, इंक्लिनेशन, कैस्टर, टो इन टो आउट, फ्रंट एक्सल एंड एक्सल एक्सेट्रा। ओके, और है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ना है अपने को इसमें, और इग्निशन सिस्टम छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, इंजन फ्यूल्स। ठीक है, इंजन फ्यूल्स भी काफ़ी हद तक बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, ये अपने को पढ़ना है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं लेकिन पढ़ना है अपने को। ठीक है, और इसमें है अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। और इसमें जाता है वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस में देख लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, ब्रीफ डिस्कशन, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस, और मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इस तरह से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद अपन इस पर वीडियो बनाना चालू करते हैं। ठीक है, ये इसमें आ जाता है हैंड एंड पावर टूल्स, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक, इसी में हैंड और पावर टूल वगैरह चीज़ें पढ़ना है अपने को इसमें। ठीक है, क्लैंप्स वगैरह है ना।
अब देख लीजिए सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है, और कटिंग टूल्स, ठीक, ये अपना हो जाता है सिलेबस। तो इतना सब कुछ पढ़ना है अपने को, और जल्दी से कोशिश करेंगे कि हो जाए। बस आप इसका एक बार पढ़ने के बाद कम से कम एग्ज़ाम टाइम तक 6 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब जाके आपको ये बनेगा अच्छे से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।